नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौड़ आपको याद ही होगी, 2012 में आई थी। सोनाक्षी सिन्हा साथ थी और क्या जबरदस्त फिल्म थी, जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये फिल्म थी और काफी बड़ी हिट हुई थी। गाने भी काफी बड़े हिट हुए थे फिल्म के, तो उसके सिक्वल की लगातार चर्चा हो रही है और अब ये न्यूज लगभग कन्फर्म हो गई है, 100% ऑफिशियल न्यूज है। जो फिल्म प्रोड्यूसर है राधा मोहन, उन्होंने खुद जानकारी दी है कि राउडी राठौड़ का जो सेकंड पार्ट है उसकी स्क्रिप्ट लिख ली गई है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रिप्ट पे काम कंप्लीट हो चुका है और फिल्म को अब कभी भी शुरू किया जा सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, स्क्रिप्ट लेवल का काम कंप्लीट हो गया है, अब फिल्म को कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो अब कब करेंगे फिल्म शुरू, इसी साल ये फिल्म शुरू होगी। जहां तक जब उनसे कास्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कास्ट डिसाइड नहीं की है कि क्या अक्षय कुमार ही दोबारा इसमें नजर आएंगे या किसी अन्य कलाकार को साथ लेकर के या कास्ट लेकर के कास्ट करके ये फिल्म बनाई जाएगी। ज्यादा संभावना है कि अक्षय कुमार नजर आएंगे, क्योंकि राहुल राठौड़ लोगों के दिमाग में अक्षय कुमार की छवि बसी हुई है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को राहुल राठौड़ बना के पेश किया जाएगा, ये भी एक खबर है। अभी ऑफिशियल नहीं है, कन्फर्म नहीं करता। और अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं भी लेते हैं, अगर मतलब मान लो लीड रोल में नहीं लेते हैं, तो भी अक्षय कुमार होंगे तो भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस फिल्म में एक ब्रेक जरूर मिल सकता है, चांस जरूर मिल सकता है, ऐसी खबरें लगातार चल रही है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर ये फिल्म बनती है वो बनेगी। अब जब स्क्रिप्ट तैयार होगी तो बनेगी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। कब कौन इसको डायरेक्ट करेगा, इसके बारे में सारे अनाउंसमेंट बहुत जल्दी सुनने को मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। मतलब हो सकता है इसी महीने के अंत में या आपको अगले महीने के शुरू में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट विद स्टार कास्ट सुनने को मिले, देखने को मिले। तो मैं तो काफी इंतजार कर रहा हूँ, काफी जबरदस्त फिल्म मुझे लगी थी। आप बताइएगा आपको कितना इंतजार रहेगा, और राउडी राठौड़ रोल के लिए क्या अक्षय कुमार को ही लिया जाना चाहिए या किसी अन्य कलाकार की कास्टिंग की जानी चाहिए, जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बोलना।